रॉबिन, सोचा तूने कुछ? क्या करना है अब? क्या रेट चल रहा है मार्केट में? पुरानी करेंसी एक्सचेंज का मार्केट के हिसाब से शायद 1000 का 800। बस अपना काम हो गया। मतलब ये कि जिन लोगों ने अपने घर, दुकानों, गोदामों की दीवारों में पैसा चिन रखा है, वो अब रद्दी हो चुका है। इसलिए वो इस रद्दी को 20% का घाटा कर हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से एक्सचेंज कर रहे हैं। अब तू ये फोन किसको लगा रहा है? मुन्ना पहलवान को। अबे मरवाएगा क्या? हेलो पहलवान साहब, मैं रॉबिन बोल रहा हूँ। अबे तुम दोनों को मरना है क्या मेरे हाथों से? तुमको पता नहीं तुमने किसका पैसा खाया है? मुन्ना पहलवान का। बेटा जिस दिन हाथ लग गए सीधा जान से जाओगे। अगर आपकी भाषणबाजी खत्म हो चुकी हो तो कुछ काम की बातें करें। आपके 6 लाख ही तो है, मैं आपको 6 लाख तो दूंगा ही, साथ में 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मौका भी दूंगा। दोबारा से मुझे बेवकूफ बनाने की कौन सी स्कीम लेके आया है? इसमें बेवकूफ बनाने वाली कौन सी बात है पहलवान जी? मैं आपसे कैश टू कैश की डील कर रहा हूँ। 50 लाख लो मुझसे पुरानी करेंसी में, 40 लाख दो मुझे नई करेंसी में। तो मैं क्या करूँगा इस रद्दी का? अरे आपके पास तो कितने चेले और लफंडल लोग हैं, अगर 1-1 लाख रुपए भी सबके अकाउंट में डालोगे तो सारा ठिकाने लग जाएगा। बात तो कायदे की है। चल फटाफट ये बता कहाँ ना है पैसा लेकर। तो मिलते हैं बस 1 घंटे में पास वाली पुरानी मिल में। ठीक है चल मैं आ रहा हूँ। कम से कम 40 लाख तो आएंगे। दे ताली। यार बड़ी देर हो गई, पहलवान आया क्यों नहीं अभी तक? जगह तो समझ गया था ना वो किस जगह आना है। समझ गया होगा, वैसे भी पूरे शहर में एक ही तो बंद कंपनी है। अबे ले आ तो गया वो साला मोटा पहलवान, आज तो टेम्पो में आया है। जय राम जी की। आइए पहलवान जी, बड़ी देर लगा दी आने में। 1-1 हजार के नोट हैं, टाइम तो लगता है गिनने में। बात तो ठीक है, ये लो पूरे 50 लाख। पहली बार तुमने खरा सौदा किया है। पहलवान जी आज के बाद सब कुछ खरा ही होगा। सुनो मेरे पास 40 लाख और हैं, बता कब करा रहा है उनको। 40 लाख, अच्छा ऐसा भी है। चलो जैसे कुछ होता है कॉल करता हूँ मैं आपको। नमस्कार। नमस्कार। चले यार रॉबिन, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। फटाफट इस शहर को छोड़ने की तैयारी करते हैं। 40 लाख बहुत है हम दोनों के लिए। क्या सोच रहा है? नहीं प्रेम, मेरे दिमाग में तो कुछ और ही घोड़े दौड़ रहे हैं। अबे इन घोड़ों को लगाम दे, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चल इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में इन पैसों से नया धंधा शुरू करते हैं। नहीं यार, ये तो अभी शुरुआत है। अब किस्मत हमको कुछ कमाने का मौका दे रही है और तू भागने की बात कर रहा है।
तू फिर से किसी को फोन लगा रहा है? लगा रहा हूँ। अबे ये तो बता किसको फोन लगा रहा है? चड्डा को। अबे पागल तो नहीं हो गया है तू? ओ हेलो चड्डा साहब, मैं तुम्हारी दीवारों में चुनी हुई सारी रद्दी को नई करेंसी में एक्सचेंज कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ परसेंट चाहिए। अरे बाबा तू है कौन पहले ये बता। चड्डा साहब अपने दिमाग को शांत रखने आया था गर्मी में, बता ना जितने भी पैसे उधार है ना आपके उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मौका देगा रॉबिन आपको। रॉबिन? हाँ रॉबिन। बोल कितना परसेंट लेगा? 25% लूंगा, मतलब 1 लाख लूंगा तो नई करेंसी में 75,000 दूंगा। दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? 25% 25% नहीं 5% दूंगा, इससे 1% भी ज्यादा नहीं दूंगा। सौदा मंजूर हो तो बता देना। क्या बोला सेठ? हरामी 5% की बात कर रहा है, 95,000 दे जाओ 1 लाख ले जाओ। लगता है साले वो हम सबके माथे पर चूतिया लिखा दिखाई देता है, कमीना यहाँ भी बनिया बुद्धि दिखा रहा है। अगर वो अपनी बनिया बुद्धि दिखा रहा है तो हम भी उसे अपनी मियाँ भाई वाली ट्रेनिंग दिखा देते हैं। क्या सोचा? ठीक है हम 5% में तैयार हैं। बोल कहाँ आना है पैसे लेके? मिलते हैं 10 मिनट में बंदे कंपनी की वेबसाइट में। डन। और हाँ सुनो, पहले मैं 95,000 ला रहा हूँ, पहले उनका करो फिर आगे देखते हैं। ओके चड्डा साहब। अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? 5% में क्या मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। रैम कुछ देर शांत तो रहे, दिमाग खराब मत कर, टेंशन ना ले, डूबने नहीं दूंगा, इतना तो विश्वास है मुझ पर। चल फटाफट बैक साइड में चलते हैं। ये रॉबिन और प्रेम मुन्ना पहलवान और चड्डा सेठ को पहले ही लाखों का चूना लगा चुके थे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मुन्ना पहलवान को लग रहा था कि वो दोनों कहीं से फिर से चूना तो नहीं लगा गए, मगर ऐसा नहीं था। चड्डा सेठ ने भी अपनी रकम को 5% के हिसाब से धीरे धीरे एक्सचेंज किया। पहली बार में 1 लाख रुपए, दूसरी बार में 5 लाख रुपए, तीसरी बार में 10 लाख रुपए और सबसे आखिर में 20 लाख रुपए। पूरे 20 लाख हैं। प्रेम इनको 19 लाख वाला बैग दो। इस सिलसिले को जारी रखना है या यहीं खत्म करें? और कितना है तुम्हारे पास? ऐसे कैसे बता दूं? हाँ मगर इतना है कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है पूरा महीना निकल जाए। चलो ठीक है, अगर कुछ होता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। चौंतीस, 35, 36। प्रेम कितना बचा हुआ हमारे पास? 36 लाख की ये रद्दी और 5,80,000 की वो रकम। यार रॉबिन ये तूने क्या किया, अच्छे वाले 40 लाख थे अपने पास, अब वो भी नहीं रहे। प्रेम थोड़ा सब्र रख, प्रधानमंत्री ने देश को 50 दिन की मोहलत दी है ना, मैं 50 दिन में 500 रास्ते निकाल दूंगा इसको न्यू करेंसी में कन्वर्ट करने के, और वैसे भी अभी मार्केट में परसेंटेज बढ़ेगी। अबे ये देख, एक रास्ता तो खुद ही चलकर हमारे कदमों तले आ रहा है और बोल रहा है मेरे ऊपर चलो। हाँ पहलवान साहब। बेटा रॉबिन तूने कुछ बताया नहीं मेरे 40 लाख का, करा दे उनका कुछ? हो जाएगा आपका काम, मगर इस हेरा फेरी में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा और आपको अपना पैसा हमारे पास छोड़ना होगा कम से कम 2 घंटे के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ पैसे। ठीक है आधे घंटे में पहुँचता हूँ। हेलो। हाँ चड्डा साहब। बोल
क्या बात है? एक 40 लाख की पार्टी और है। ठीक है सुनो, मगर मेरी एक शर्त है। रकम बड़ी है इसलिए तुमको मेरे होटल ही आना होगा। मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? रकम बड़ी है इसलिए अब की बार 5% नहीं 10% लूंगा। ये साला मरवाएगा। ठीक है आ जा। ठीक है अभी पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ प्रेम? दाना पक्कर तैयार है। साला वाया टाइम फसल काटने का। चड्डा को कितना देना है? 45 लाख। मगर पहलवान से तो 40 लाख ला रहे हैं हम। अरे यार हमारे पास बचा तो है भी 5-80। अभी 80 निकालना है और 40 में बचा 5 में लाकर चड्डा को देना है। चल देखते हैं क्या होता है। ऐसे? हाँ ले ऊपर से। लंगड़ी लंगड़ी। पहलवान जी। पहलवान जी बैठो आ रहे हैं। हाँ जयराम जी की। पहलवान जी जयराम जी की। लो ये पैसा 40 लाख रुपया। पैसे लो। पूरा नया माल। ठीक है बंद कर दे। 2 घंटे में आ जानी चाहिए। 2 घंटे? 2 घंटे 1 घंटे 45 मिनट में आ रहा। ठीक। हाँ जल्दी आ गए चड्डा साहब। अगर देर से आते तो शायद जल्दी बुरा मान जाते। मैं समझा नहीं। चलो छोड़ो आओ बैठो। ये लो पूरे 45 लाख। फटाफट 50 लाख हमें दो नहीं तो शायद सामने वाली पार्टी बुरा मान जाएगी। शेखर बैग चेक करो। ये लो गिन लो। गिनने की कोई जरूरत नहीं है चड्डा साहब। हम आपकी ईमानदारी पर जरा भी शक नहीं कर सकते। अच्छा तो चलते हैं फिर मिलते हैं। सुनो रॉबिन एक मिनट। तीन करोड़ की पार्टी है तुम्हारे पास जो सीधा एक बार में 2 करोड़ दे दे। 3 करोड़ तो क्या 6 करोड़ हो जाएगा। आपको थोड़ा वक्त देना होगा। 3 करोड़ के लिए कम से कम 24 घंटे इंतजार करना होगा आपको और पहले पैसा देना होगा। सोच क्या रहे हो? कोई जल्दी नहीं है आराम से सोच कर बता देना। शेखर अंदर जो बैग रखा है उसे लेकर आओ। ये देखो पूरे 3 करोड़ हैं। बहुत विश्वास करके दे रहा हूं धोखा मत देना। विश्वास रखो चड्डा साहब। प्रेम बैग उठाकर गाड़ी में डालो।
सर मुझे तो कुछ दाल में काला ही नजर आ रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इन पर। पहलवान साहब आपके 50 लाख तैयार हैं, बताओ कहाँ आना है पैसे लेकर। तुमको कहीं नहीं आना है, बस तुम मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो, मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। माल गोदाम के बैक साइड मिलते हैं। ठीक है, 1 घंटे में भेज रहा हूँ अपने आदमी को। 2 करोड़ की बात कर, 2 करोड़ की। हाँ पहलवान साहब, आपसे एक और जरूरी काम था। कैसा काम? मिलना था आपसे। शाम को आ जाओ अखाड़े पर। क्या बोला? शाम को बुला रहा है अखाड़े पे। रोबिन तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जब मन चाहे तब तो मेरा हाथ थाम लेते हो और जब मन चाहे तब छोड़ देते हो। रोबिन अगर मैं तुम्हारी लाइफ में दिक्कतों का कारण बन रही हूँ तो प्लीज एक बार मुझसे मना कर दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। राधिका हुआ क्या है कुछ बताओगी? मैं तुम्हें लगातार सुबह से 3600 बार कॉल कर चुकी हूँ, तुम मेरा फोन कभी उठाते नहीं हो और कभी काट भी देते हो। राधिका इसमें इतना सीरियस और टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, मैं बस किसी एक जरूरी काम में लगा हुआ हूँ। और ये काम मैं बस तुम्हारे लिए और अपने लिए ही तो कर रहा हूँ। बस एक बार ये काम हो जाए उसके बाद हम ये शहर छोड़कर कहीं आराम से सुकून की जिंदगी जिएंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? रोबिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, 1 महीने बाद मेरी शादी है। एक काम करो, तुम मुझसे मिलो अभी 10 मिनट में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ पुराने किले पर। तुम आ रही हो ना? प्रेम मुझे राधिका से मिलना है अभी, पुराने किले चल। कैसी हो तुम? वैसी तो नहीं जैसे तुम मुझे छोड़कर गए थे। और तुम्हें क्या करना मेरे हाल जानकर? वैसे किस चीज का वेट कर रहे हो तुम? एक बहुत बड़े टेंडर का। अपनी चोरी और स्कैम को तुम टेंडर कहते हो? थोड़ी तो शर्म है मुझ में। शर्म है तो फिर ये काम क्यों करते हो? और कुछ आता भी तो नहीं, लोगों के पैरों में चक्कर होता है और मेरे दिमाग में है, और बस तो मैं देखता हूँ थोड़ा अच्छा बनने का दिल करता है। तभी तुम मुझसे दूर भागते रहते हो। कोशिश करता हूँ मगर भाग नहीं पाता। शादी अगले महीने है रोबिन। तुम टेंशन मत लो, उससे पहले मैं अपना काम खत्म करके तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। तुम जो काम कर रहे हो उसमें अगर पकड़े गए तो? दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो रोबिन को पकड़ सके। रोबिन मैं तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त चलने को तैयार हूँ। नहीं तुम मेरे फोन का इंतजार करना, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। मैं चलती हूँ, मैं इंतजार कर रही होगी। तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? और कितना छोड़ोगे? जैसा पहलवान साले वैसे उसके आदमी, कभी टाइम पर नहीं आते। अबे ले आ तो गया ये।
ये लो 50 लाख पहलवान को दे देना, ठीक है ना? ये क्या ले आया? 3 करोड़। क्या 3 करोड़? हाँ 3 करोड़, और इसके बदले में आप हमें 2 करोड़ दो। मैंने अपने जीवन में एक साथ 1 करोड़ रुपए नहीं देखे, 2 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? तो अब देखने की आदत डाल लो। तेरी बात तो सही है, पर 2 करोड़ की नई करेंसी कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे पहलवान जी, कभी इस पहलवान बुद्धि को छोड़कर बनिया बुद्धि से भी काम ले लिया करो। चल तू ही बता अपनी बुद्धि से क्या काम लूं। पहलवान जी, शहर के कितने इलाकों में आपके विश्वास पात्र आदमी है? यह पूछो शहर के किस कोने में नहीं है, पूरे शहर में हमारा दबदबा है। तो बस पहलवान जी, अपना काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसानी से? तुम्हारे हर आदमी को उसका इलाका दे दिया जाएगा, आपका आदमी उस इलाके के हर मजदूर क्लास आदमी से मिलेगा और उन्हें दिन रात बैंक और ATMO की लाइनों में खड़ा करेगा, और वो आदमी अपने काम धंधों को छोड़कर लाइनों में लगकर पुरानी करेंसी को जमा कर नई करेंसी को बाहर निकालेंगे, और उनको उसके बदले में सूखा सूखा 20% मिलेगा, और हमारी पुरानी करेंसी कुछ ही दिनों में नई करेंसी में एक्सचेंज हो जाएगी। ललाट, क्या और तो जैसे हाथ चला रहा है। हाँ भैया, तू आप बैठ चला। यार रोविन, क्या दिमाग चलाया है तूने? तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अरे तुझे तो किसी अदालत में वकील होना चाहिए था। ठीक कह रहे हो पहलवान जी, अगर ऐसे वकील अदालत में हो गए तो सारे मुजरिम बाइज्जत बरी हो जाएंगे। चल ठीक है, परसों तक आओ, 2 करोड़ का इंतजाम कर लूंगा, मगर याद रहे कैश टू कैश। अगर विश्वास नहीं है तो रख लो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। खोल के दिखा। देख लिया? ओके तो? अब क्या है? ले जाए ने, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परसों आ जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा रहा हूं। कहाँ चलना है अब? सेठ के 5 करोड़ वापस करने। मगर क्यों? हमारा चड्डा से 5 करोड़ लाने का मकसद ये था कि हमको पहलवान को दर्शन कराने थे। वो साला मोटा बिना दर्शन किए हमारी बात पर विश्वास नहीं करता, और इधर हम चड्डा का पैसा वापस करने जाएंगे तो चड्डा का विश्वास हम पर और बढ़ेगा, समझा? हाँ यार, बात तो एक नंबर की है। चले तो फिर। चलो। क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गए, लगता है काम हो गया। नहीं चड्डा साहब, अभी आप अपने पैसे अपने पास रखिए। सामने वाली पार्टी 48 घंटे का टाइम मांग रही है, क्योंकि आपकी रकम भी काफ़ी बड़ी है, इसलिए अभी आप इनको अपने पास रखो, हम परसों आते हैं, और परसों आकर इनको लेके जाते हैं, और सिर्फ 2 घंटे में एक्सचेंज करके लाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी। ठीक है चड्डा साहब, परसों आते हैं। ठीक है ठीक है, तो इन्हें रखो। देख ले, मैंने तुझसे बोला था ना, ये ऐसा नहीं करेंगे। पैसा लेकर भागना होता तो भाग गए होते, यूं वापस ना आते। ठीक है, आपने सही कहा था।
यार अभी तक दोनों में से किसी का भी फोन नहीं आया। ये ले, कहते ही आ गया। किसको? पहलवान का है। हाँ पहलवान साहब, हुआ कुछ? होगा कैसे नहीं, तूने 2 करोड़ की कहा था, मैंने 4 करोड़ का इंतजाम कर लिया है। पहलवान साहब, मैं एक साथ में 6 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले 3 करोड़ ला रहा हूँ और तुमसे 2 करोड़ ले अगर पहले पार्टी को पहुँचाता हूँ, और फिर पार्टी से बात करता हूँ कि वो और 3 करोड़ की क्या बोल रही है। ठीक ठीक है, तो फिर आता हूँ अभी। चल ठीक है, आ जा। सेठ पैसे तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। याद रहे बस 2 घंटे। बड़ी देर लगा दी लौंडो। अरे बस ट्रैफिक में फंस गए थे। बैग खोलो। कोई संदेह हो तो गिन लो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुमने विश्वास बना लिया है मुझ पर। ये लो 2 करोड़, एक बार खोलकर नजर मार लो। इसमें नजर मारने वाली क्या बात है पहलवान साहब, आपकी ईमानदारी पर कोई शक कर सकता है? पहलवान जी इसकी आंखें नहीं, स्कैनर मशीन है, ये बाहर से ही चेक कर लेती है अंदर कितना माल है। वो तो इसको गॉड गिफ्ट है। रॉबिन, और 2 करोड़ के बारे में सोचा तुमने कुछ? पहलवान साहब इसमें सोचने वाली क्या बात है, जिस तरह हमने सामने वाली पार्टी का पैसा अपने पास में रखा था ठीक उसी तरह हमें आपका पैसा भी अपने पास में रखना होगा, और आपको सामने वाली पार्टी का इंतजार करना पड़ेगा और अपना पैसा हमारे पास में छोड़ना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। कल शाम को 3 करोड़ रुपए ले लेना। और कल शाम 5 बजे तक ना हुआ तो? पहलवान साहब, अगर कोई भी रिश्ते या धंधे की डील में अगर विश्वास ना हो ना तो उसे वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है चलता हूँ, अगर कुछ होता है तो बताता हूँ। चल फटाफट। अरे रुको यार रुको, नाराज होके चल दिए? 24 घंटे इंतजार को तैयार हूँ, ले जाओ पैसों को। पहलवान जी सोच लो, 24 की जगह 26 घंटे भी हो सकते हैं। यार 26 नहीं 28 घंटे हो जाए, 2-4 काम करो नीचे भी हो सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, काम करके लेके आओ। ठीक है पहलवान जी, ओके। अब क्या सेठ के यहाँ चलना है? कौन सा सेठ, किसकी बातें कर रहा है? अरे वही चड्डा सेठ। अबे कौन सा चड्डा कौन सा सेठ, माँ की आंख उसकी, साला हमसे बड़ा कोई सेठ है? अबे ये पहलवान 24 घंटे छोड़, 24 मिनट में फोन कर रहा है। अबे बाहर फेंक इसे। अबे मेरा 20,000 का फोन। अबे 4 करोड़ के मालिक हैं हम। 4 करोड़ के मालिक और पहलवान? अबे कौन पहलवान, कैसा पहलवान, घंटे का पहलवान।
राधिका, हम कल सुबह निकलेंगे। मैं हर कंडीशन में सुबह 10 बजे तक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊं तो तुम मेरा इंतजार करना। क्या हुआ, तुम आ रही हो ना? ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रेम, मेरे न्यू नंबर पर किसी का कॉल आ रहा है। न्यू नंबर पर? तूने किसको दिया ये नंबर? सिर्फ राधिका को, बट ये तो उसका नंबर नहीं है। क्या करूं? उठा। हेलो, आखिरकार तुमने डाल ही दिया पहलवान और चड्डा को गड्ढा में। यार वैसे बहुत सही खेल गए तुम, वेरी इंप्रेसिव। हु इज दिस? बस ये मान लीजिए आपका फैन बात कर रहा हूँ, वैसे मुझे मित्तल कहते हैं। जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप हो कौन? रॉबिन भाई, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, फोन पर आते हैं। बुद्धि की बात करते हैं। ऑफर है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 10 करोड़ का, वो भी 50% में, चेंज ओल्ड टू न्यू करेंसी। रॉबिन भाई सोचना बंद करो और जल्दी से पहुंचो अपनी दिलरुबा के पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है रेलवे स्टेशन पर। तुम मुंबई के लिए नहीं, दिल्ली के लिए निकलोगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ, आपकी यात्रा मंगल में हो। इनका स्वागत अब दिल्ली आकर ही होगा। कौन था ये? यार दिल्ली से किसी मित्तल का कॉल है, 10 करोड़ का ऑफर दे रहा है 50% में, और ताज्जुब की बात यह है कि वो हमारी सारी जन्म कुंडली जानता है। वो यहाँ तक जानता है कि रात का मेरा वेट कर रही है रेलवे स्टेशन पर। लगता है कोई बड़ा ही खिलाड़ी है, वेरी इंप्रेसिव। क्या करें? करना क्या है, चलो दिल्ली। अगर वो है खिलाड़ी तो हम भी हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Thank you.
दोनों ने मिलकर चड्डा और पहलवान को करोड़ों का ऐसा टोपा पहनाया कि ये इस टोपे का सदमा बर्दाश्त ना कर सके। चड्डा तो सोच सोच कर पागल ही हो गया और डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। मोटा पहलवान दिल और दिमाग से थोड़ा सा मजबूत था जो इस सदमे को झेल गया। इसने चड्डा की तरह आत्महत्या तो नहीं की, मगर इसका जो हश्र हुआ वो आपके सामने है। इसने अब हमेशा के लिए पहलवानी छोड़ दी और शहर की जनता को गर्मा गर्म जलेबी खिलाने का काम शुरू कर दिया। हमारे पास जो कुछ भी पैसा पुरानी करेंसी का था वो हमारे किसी काम का ना था। हमने वो पैसा गरीबों के लिए ही छोड़ दिया, क्योंकि दो अमीरों की बद्दुआएं झेलने के लिए कुछ गरीबों की दुआएं जरूरी थी। Since 14, take one. Action.